लगभग रात के लगभग 9 बजे, और खाना खुना हमने खा लिया है, तो जो मेरा पेंट का काम है वो अभी बचा हुआ है, तो कल फिर से मैं सुबह उठ के वो काम शुरू कर दूंगा। अभी 2 या 3 दिन मुझे और लगेंगे उसमें। तो दोस्तों, टाइम हो रहा है लगभग दिन के 10:30 बजे और मैं सुबह से 7 बजे से लगा था काम। फाइनली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द आके एक नए स्टेशन पे, एक नए मोड पे। हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। तो रोज़ की तरह आज भी सुबह के लगभग टाइम हो रहा है 6:30 बजे और मैं उठ गया हूँ जी सो के और आया हूँ अपनी छत पे, और रोज़ की तरह पी रहा हूँ अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि सूरज दादा अभी निकले ही हुए हैं, जस्ट गोल्डन कलर की हल्की हल्की धूप आ रही है, अभी नज़ारा देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़र आ रहा है। और पहाड़ियों भी अभी हल्की हल्की धूप लगी हुई है और गोल्डन कलर की धूप अभी चली हुई है पहाड़ों पे। तो कल की तरह मेरा है आज भी पेंटिंग का काम बचा हुआ, तो मुझे करना है जी उसको कंप्लीट। आज तो कंप्लीट नहीं होगा, 2-3 दिन और लगेंगे अभी इसमें। तो जी कल मैंने 2 कमरे और ये अपनी गैलरी निपटा ली थी, तो एक एक कोट मैंने इस पे मार दिया है और अभी एक कोट मुझे और मारना है, क्योंकि अभी इसमें कलर बदलने में 2 कोट हमेशा लगते ही है, प्रॉपर शाइनिंग तभी आती है इसमें। तो कुछ इस तरह का कलर मैं कर रहा हूँ इस पर, अभी चेंज कर रहा हूँ कलर। मैं आ चुका हूँ अपनी ड्रेस पे जो कि पेंट करते हुए मैं पहनता हूँ, और अभी कर देता हूँ मैं शुरू काम। सबसे पहले कर देता हूँ कलर मिक्स और फिर करूँगा शुरू काम। 1 hour later। तो दोस्तों, टाइम हो रहा है लगभग दिन के 10:30 बजे और मैं सुबह से 7 बजे से लगा था काम पे, और फाइनली मैंने जो ये वाला पोर्शन है, ये गली है, ये मैंने कर दी है जी पूरी तरह से कंप्लीट। तो अब बचता है अपना बाहर का काम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। का है जी? और यहाँ पे रोज की तरह मूड़ा डाल दिया सुखाने को, और ये पापड़ भी, और उधर डाली है सूखी मिर्च। मतलब तो जो ये मूड़ा है ये भी मतलब थोड़ा सा सूख गया है, थोड़ा सा भी बचा है, तो वैसे हम इसको खा सकते हैं, खाने में टेस्टी भी होता है। अच्छा, इसको चबाने में टाइम लगता है क्योंकि ये अभी ना पका हुआ है ना कच्चा रहा है। अब तो ये मतलब अभी ना पका हुआ है और ना कच्चा रहा हुआ है, तो ये बीच में फंसा होता है, तो थोड़ा सा वैसे टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मम्मी लगे हुए हैं सब्जी बनाने, तो लंच अभी तैयार हो रहा है। तो अभी मैं मूली के पत्ते दे रहा हूँ जी खरगोश को। ले भाई दोस्त, खा ले। इसको सुबह रोटी दी थी, इसको तो भूख नहीं है। चल भाग भाग। जी अभी करते हैं बाहर का काम शुरू, अंदर का कलर तो फिनिश हो गया और मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी शाइनिंग आ रही है ये वाला कलर लगा के। बाकी आप लोग भी बताना कि कैसा लगा ये वाला कलर।
तो अभी मुझे करना है यहाँ पे कलर। ये बार बार का पोर्शन हमारा एक साइड का बचता है, तो कुछ इस तरह से इसमें मैं कलर करूँगा और थोड़ा बहुत मैं चेंजिंग करूँगा इस बार कलर में। तो वो वाली दीवार में करूँगा सबसे पहले, फिर इसके बाद इधर का ये करूँगा। तो दोस्तों बाहर के लिए मैंने कुछ इस तरह का कलर लाया है, नाइट ग्रे, और इसके साथ जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो मुझे मिला एक स्कैनर इसमें। तो अभी देखते हैं ज़रा इसमें क्या कुछ है। तो इसमें कुछ लक्की टोकन लिखा हुआ है और मैं इसको धो देता हूँ ज़रा। ये प्लास्टिक का है, ख़राब नहीं होगा। इसको मैंने धो लिया है और ज़रा इसको पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। गेट लकी टोकन एंड बिन इंस्टेंट कैश प्राइज पेंटर के लिए 4 पेंटर। ये पेंटर के लिए भाई स्पेशल। तो अभी मैं भी फ़िलहाल पेंटर हूँ। अपने निकटतम ब्रिटिश पेंटर डीलर को टोकन दें जिनसे आपने उत्पाद खरीदा है। टेक द टोकन टू योर नियरेस्ट ब्रिटिश पेंट डीलर फ्रॉम व्होम यू हैव परचेज द प्रोडक्ट। यानी कि जो जिससे मैंने खरीदा है मुझे उसके पास ये देना है डीलर से। ये लिखा इसमें तो वही 25 रुपये है इसमें। तो मैं 25 रुपये के लिए पौंटा साहिब से जाऊंगा और बस में यहाँ से 120 रुपये किराया लगता है और मेरा 240 रुपये किराया लग रहा है और मुझे वहाँ से मिलेगा 25 रुपये। तो बताना आप मैं जाऊँ 25 रुपये लेने कि नहीं। तो ये वाली दीवार भी मैंने कर दी है कम्प्लीट। एक एक कोट मारा है अभी, एक एक कोट मुझे और मारना है। और इधर कर दी मैंने और ऊपर वाली भी कर दी। ये नीचे वाली अभी पेंडिंग है पड़ी हुई स्टिल, तो इसको भी मैं कल आके करूँगा। तो हाँ जी दोस्तों, टाइम हो रहा है लगभग दिन के 3 बजे और आप देख पा रहे होंगे मैं हो चुका हूँ जी बिल्कुल रेडी। और मैं रेडी किस कहाँ के लिए हुआ हूँ, तो भाई मुझे पड़ गया काम। तो रेणुका जी में मुझे काम है तो वहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा अर्जेंटली। कल परसों से काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था तो आज मुझे उस काम को अंजाम देना ही होगा। तो फिलहाल अभी मैंने काम पेंटिंग का है जो मेरा 50% कर दिया है कंप्लीट और अभी मैंने कर दिया है काम बंद। तो कल मैं वापसी आ जाऊंगा दिन तक से या फिर शाम तक, तो मैं कल फिर से स्टिल चालू कर दूंगा अपना काम फिर से। और लगभग अभी मैंने बाहर की जो कमरे की एक दीवार कर दी है एक एक कोट मार के, अभी तो इस पर बहुत ज़्यादा काम बचा हुआ है। तो अभी मैं फ़िलहाल खाना खुना खा लेता हूँ और फिर निकलता हूँ यहाँ से। तो जी छत पे जो सामान था मूड़ा वगैरह उसको मैंने समेट लिया है और इधर उधर मैंने इस साइड को मैंने ये कलर कर दिया है एक एक बार और एक एक बार मुझे फिर करना। यहाँ पे मैं घी को कर रहा हूँ गरम। मम्मी ने कहा था कि जाते जाते जब जाएगा तो घी के साथ खाना खा लेना, घी और गुड़ के साथ। तो अभी मैं खाना खा लेता हूँ। दोस्तों अभी हम फिर चल रहे हैं और साथ में अपने राइडर भाई बहुत ही फुर्ती से चलाते हैं बाइक। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द आगे एक नए स्टेशन पर एक नए मोड पर। तो जी अभी पहुंच चुके हैं टिम्बी शहर। और रोड देख सकते हैं आप बिल्कुल चांदी बन गई है रोड की। अब इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही बुरी हालत में। तो दोस्तों यहां से जो आगे का ब्लॉग है वो मैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आपको भी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिए। मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टाटा टेक केयर, बाय बाय।